अस्सलाम वालेकुम। इल्म की शमा में आज हम आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और ज़रूरी वीडियो लेकर। वीडियो जो मैंने आपको वादा किया था, हज की तैयारी की वो चीज़ें जिनके बगैर हज के लिए जाना मुमकिन नहीं, जो कि बहुत ज़रूरी हैं। वहाँ पर 40 दिन का स्टे होता है। लेडीज़ और जेंट्स दोनों हज़रात के लिए मैं ये चीज़ें लेकर आई हूँ। ये देखें, ये एक बैग है, ये कमर पे बांधने का एक छोटा सा बैग है जिसके अंदर आप बहुत सारे पॉकेट्स हैं और आप इसमें अपनी मनी रख सकते हैं, अपनी कीमती चीज़ें रख सकते हैं, जिसे अहराम के ऊपर भी मर्द हजरात बांधते हैं ज़्यादातर, लेकिन लेडीज़ भी ये अपने मकने के अंदर या अबाए के अंदर बांध सकती हैं। कोई ऐसा मसला नहीं है कि लेडीज़ ना बांध सकें, ठीक है। तो ये आप ज़रूर लेके जाएं, इसके बगैर तो ये कि अपनी कीमती अशिया को आपको संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। ये वीडियो लेडीज़ और जेंट्स दोनों के लिए है और मैंने बहुत ही अच्छी वीडियो बनाने की पूरी कोशिश की है आप लोगों के लिए। ये देखें, ये है एक शमीज़ टाइप एक कपड़ा मिलता है मार्केट में, ये शमीज़ है, लेकिन इसके अंदर ये है कि इस शमीज़ में बहुत सारी पॉकेट्स बनी हुई होती हैं। चेन वाली दो पॉकेट्स होती हैं और दो पॉकेट्स बगैर चेन की होती हैं। ये मर्द हजरात के लिए ज़्यादातर अच्छी रहेंगी, तो ये ज़रूर लेकर जाएं। ये कॉटन के कपड़े पर नरम और सॉफ्ट कपड़ा होता है, जो कि आप अपने आम नॉर्मल कपड़ों के अंदर इससे बग़ैर अहराम की सूरत में, जिस टाइम आप अहराम ना पहने हुए हों उस टाइम आप अपने कपड़ों के अंदर इन्हें पहन लीजिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा चोरियाँ, बहुत ज़्यादा लूट खसूट होती है, जो आपको पता भी नहीं चलेगा। आपके नॉर्मल जो कपड़े होंगे उसके जेबें कट जाएंगी, आपकी चीज़ें ले जाएंगे, तो आप दयार गैर में होते हैं। तो ऐसी चीज़ें आप अपनी संभाल कर अपने कपड़ों के अंदर इसे पहने और ये ज़रूर लेकर जाएं, और ये दो अदद लेकर जाएं। एक से तो काम नहीं बनेगा, क्योंकि एक मेला हो जाएगा, दूसरा आपको धोने के टाइम पे पहनना पड़ेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है, सॉफ्ट कपड़ा होना चाहिए, बहुत महंगा भी नहीं है, ये तकरीबन 100-120 का मिल जाएगा आपको। मैं कीमत भी इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो। ये लेडीज़ के लिए है, अमूमन मिसर टाइप की टोपी होती है छोटी सी, ये बहुत सारे कपड़ों पे होती है, लॉन में भी होती है, जर्सी में भी होती है। देखें, ये टोपी है, इसके पीछे गिरा लगी हुई होती है ताकि सारे बाल आपके जो है वो कवर हो जाएं, और आपको आपके मकने के अंदर ये टोपी पहननी ज़रूरी होती है वहाँ पर। तो ये लेडीज़ के लिए बहुत ज़रूरी होती है, और लेडीज़ कम से कम 3 से 4 ऐसी टोपियाँ लेकर जाए, या तो फिर लॉन के कपड़े की आप खुद घर में भी तिकोना करके उसे बना सकते हैं, कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। और ये टोपी तकरीबन 50 से 60 रुपए के अंदर आपको मार्केट में आम मिल जाएगी हर जगह पर, किसी मार्केट में ऊपर नीचे हो सकता है रेट, लेकिन मैं नॉर्मल रेट बता रही हूँ। ये छतरी है, छतरी आप बहुत ज़रूर ले जाइएगा, क्योंकि छतरी के बगैर तो वहाँ पे चलना दुश्वार है, आपको हर कोई छतरी में नज़र आएगा। अगर आप अकेले हैं जा रहे हैं तो आप ज़रूर 2 छतरियाँ ले जाएं, अगर आप 2 अफराद जा रहे हैं तो 3 छतरियाँ ले जाएं, क्योंकि छतरियाँ अमूमन टूट भी जाती हैं और आपको फिर वहाँ पे रियाल में खर्चा होगा। इसी तरह से ये हैं जुराबे हैं, जो कि ओपन हैं, ऊपर से देखें किस तरह से हैं, इसका जो ऊपर का राउंड है ये बहुत मतलब बड़ा बना हुआ है। इसकी वजह यही है कि आपको गर्मी का सीज़न है और आप इसको इस तरह से पहने कि ऊपर से आपको हवा लगती रहे। लेडीज़ भी ये पहन सकती हैं और जेंट्स के लिए भी ये बेहतरीन है। तो ये अमूमन कहाँ पहने जाएंगे, ये आपको तवाफ़ के वक्त, तवाफ़ के दौरान और सही के वक्त आप इसको पहन सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे चप्पल तो अलाव नहीं है, जाहिर सी बात है, इतनी मोहतरम जगहों पर जाने के लिए आप ये मोज़े अपने साथ रखें, क्योंकि बाज़ औक़ात पाँव में सूजन और स्वेलिंग होने का बहुत ज़्यादा अंदेशा होता है, तो ये मोज़े आपको इन सब चीज़ों से बचाएंगे। ये छोटी छोटी चीज़ें आपके लिए बहुत कारामद साबित होंगी। आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें, कोई भी चीज़ अगर आपने मिस कर दी तो आप इधर 10 मिनट की या 15 मिनट की वीडियो अगर आप नहीं देखेंगे तो वहाँ आपको 40 दिन के लिए जो तकलीफ़ उठाना पड़ेगी उसका आपको अंदाज़ा ही नहीं है। तो ऐसी चीज़ें मैंने छोटी छोटी बताई हैं, और ये एक वीडियो मुकम्मल मैं नहीं बना सकी। मैंने सोचा था एक मुकम्मल वीडियो बनाऊंगी जिसमें हर चीज़ होगी, लेकिन वो बहुत बड़ी बन जाती, जो कि मैं नहीं बना पाई, और मैं ये सोच रही हूँ कि मैं अब इसको 2 पार्ट में बनाऊंगी। तो ये पार्ट 1 है, लिहाजा आप पार्ट 2 का भी इंतज़ार कीजिए। अच्छा, ये है बैंड, रबर बैंड, जो कि नॉर्मल ये लेडीज़ यूज़ करती हैं, लेकिन ये आपको और बहुत सारी चीज़ों के लिए भी काम आ सकता है।
सफ़र के दौरान ऐसी चीज़ें अपने साथ रखनी चाहिए। ये गूगल्स हैं। गूगल्स आप आमतौर पे गूगल्स देखते हैं, लेकिन एक और ख़ास गूगल्स मैं आपको अभी दिखाने वाली हूँ जो बहुत ज़बरदस्त है। ये नॉर्मल गूगल्स हैं जैसे कि लोग पहनते हैं गर्मियों में धूप से बचने के लिए। वहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप होती है और आपको ये बहुत ज़रूरी है, आप दो सेट गूगल के ले जाएँ। लेकिन ऐसे अफराद के जिनके नंबर हों तो वो क्या करेंगे, तो पावर के ग्लासेस पहनने के बाद आप तो ऊपर तो गूगल्स पहन नहीं सकते। लिहाजा मैंने इसका तरीका निकाला है कि गूगल के अंदर ये गूगल्स हैं, इसके मैंने ग्लासेस निकलवा दिए और इसके अंदर जो है मैंने पावर ग्लासेस लगा दिए। ये पावर ग्लासेस वाले गूगल्स हैं, तो इसमें ये तकरीबन मुझे 1300 का ये पेयर पड़ा है। यानी कि गूगल के सन ग्लासेस के साथ मैंने पावर के ये लगाए हैं कांच ऊपर, ठीक है। ये पावर लेंस लगे हुए हैं जिससे आपको, आपकी आई साइट वीक है तो भी आपको काम आएंगे, और साथ ही साथ ये सन से भी आपको, सूरज की तेज़ धूप से जो वहाँ पे बहुत तेज़ होती है, आपको ये बहुत ही प्रोटेक्ट करेंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छी, मतलब आप देखें, यूनिक चीज़ है। तो आप ज़रूर, जैसे अगर आपके पावर ग्लासेस हैं तो आप ये बनवा लें। अगर आपके पास सन ग्लासेस पड़े हुए हैं तो आप इसमें पावर ग्लास लगा लें। सिर्फ पावर ग्लास की कीमत मैं आपको बता रही हूँ, ग्लास लगाने की 500 रुपये है। और अगर आपके पास सन ग्लासेस मौजूद नहीं है तो सन ग्लासेस की कीमत फिर इसमें आप इंक्लूड कर लें। आम नॉर्मल तस्बीह है, ये ज़रूर आप लेकर जाएं ताकि हर वक्त आपकी ज़बान पर वेर्थ अल्लाह के नामों का और अल्लाह के कलामों का रह सके। और ये देखें, ये नॉर्मल क्लिप हैं जो कि अमूमन लेडीज़ बालों में लगाती हैं, लेकिन ये और वहाँ पे बहुत सारे कामों में आपको आ सकता है। बहुत सारी चीज़ों को अपने साथ ये रखने में आपको आसानी होगी। ये हवाई चप्पल हैं जो कि आप वहाँ पर यही पहनेंगे तो ही आप बेहतर रहेंगे। अगर आपने दूसरी चप्पलें जो फैंसी चप्पलें होंगी अगर आप लेकर गए तो आपके लिए बहुत ज़्यादा दुश्वारी हो सकती है। हर बंदा, हर एक हाजी अपने साथ दो चप्पल ऐसी ज़रूर ले जाएं जो कि इनको कंफर्टेबल फील करवाएं, ठीक है। और इसके साथ ये है एक नॉर्मल मकना, मकना जिसे कहते हैं, एक गोल चादर जो होती है ऊपर से, टोपी जो आपने देखी उसके ऊपर ये पहनी जाती है, लॉन की होनी चाहिए। आप इसे सॉफ्ट कपड़े में ही लें, बहुत ज़्यादा हार्ड कपड़ा होगा आपको तकलीफ़ होगी। ये लेडीज़ के लिए बहुत बेहतरीन है और जिससे उनका पूरा, मतलब पूरा को कवर किया जा सकता है और बहुत ही आसान ये रहेगा सफ़र के दौरान। और अबाया भी आप अगर पहन सकती हैं तो अबाया पहन लें, तो फिर इतना बड़ा मकना ना पहने, छोटा मकना पहन लें, लेकिन ये अबाया ना हो तो फिर इतना बड़ा मकना पहनना ज़रूरी है। ये है आपके सामने जो अभी नज़र आ रहा है, ये चप्पलों की थैली है, जो कि चप्पलों की थैली वहाँ पे बहुत ज़रूरी है, काम आती है आप लोगों के लिए कि आप किस तरह से इसके अंदर चप्पल डाल देंगे और इसको आप अपने साथ फिर हरम शरीफ में भी लेकर के जा सकते हैं। एहतियात तो ज़रूरी होती है कि चप्पल खुले होंगे तो बेअदबी होती है, इतनी अच्छी मुबारक जगहों पे हम जा रहे हैं लेकिन वहाँ पे चप्पलें इधर उधर बहुत हो जाती हैं, अमूमन कचरे के ढेरों में चली जाती हैं और ऐसे ही फेंक दी जाती हैं। तो हम अपनी चप्पलों के ख्याल रखने के लिए थैली ले जा सकते हैं। अब ये नज़र आ रही है आपको एक छोटी सी तस्बीह जो कि 7 दानों पर मुश्तमिल है और इसके ऊपर एक रिंग लगा हुआ है। ये 7 दाने हैं जो कि 7 तवाफ़ के 7 चक्करों के लिए बनाए गए हैं। ये आप उंगली में इस तरह पहन लें जैसे अंगूठी पहनते हैं, और इसको अंगूठी की तरह अपने साथ अपनी उंगली में पहनकर आप तवाफ के दौरान अपने चक्करों की गिनती को गिन सकते हैं और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका 1 चक्कर हुआ है या 6 चक्कर हुए हैं या 7 चक्कर हो चुके हैं। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हमारी आजकल के लोगों की मेमोरीज इतनी ज़्यादा फास्ट नहीं है, इसलिए ये चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो चुकी हैं, लोग भूल जाते हैं और ये नॉर्मल हो मामूल की बात हो चुकी है भूल जाना। लोग रकाते भूल जाते हैं नमाज में तो फिर चक्कर तो फिर इतना बड़ा होता है कि जिसकी कोई हद ही नहीं। ये छोटी सी इंची टेप है, ये भी मैंने सोचा कि ये भी रख लेनी चाहिए। छोटी छोटी सी चीज़ें अपने साथ रखें, कभी भी किसी भी वक्त ज़रूरत पड़ सकती है, और एक छोटी सी चीज़ ना होने पे बहुत बड़े बड़े मसले भी हो जाते हैं कभी कभी, इसलिए आप रख लीजिए अगर हल्की हल्की चीज़ें हैं तो। अच्छा, ये है मोबाइल चार्जर। मोबाइल चार्जर के बगैर तो जाने के, मतलब बहुत मसले हो जाएंगे आपको, मोबाइल से कनेक्शन आपका ख़त्म हो जाएगा लोगों से, हर एक से। और ये आप ज़रूर लेकर के जाएं, इसमें देख लीजिए कि आपके पास ये जो पिन आप लेके जा रहे हो आपके मोबाइल की है या नहीं। ऐसे नहीं उठा के ऐसे ही चले जाएं और पता चले पिन ही आपके मोबाइल में ना लग रही हो। लिहाजा आप अपने हर मोबाइल का चार्जर अलहदा पिन वाला होता है तो आप ले जाएँ। और ये है अभी आपके सामने एक बैग, ये लेडीज़ बैग है लेकिन इसमें सहूलतें हैं।
अगर आप कोई आम सा नॉर्मल सा बैग लेकर के चले जाते हैं तो सहूलतें उसमें नहीं होंगी। इसमें देखें बहुत सारी जिप्स हैं अंदर, और बाहर भी जो है वो इस तरह से पॉकेट बना हुआ है कि इसमें आराम से पानी की बोतल रह सकती है, और इस पानी की बोतल की बहुत शदीद वहाँ पर ज़रूरत पड़ती है। इस बैग के दोनों तरफ एक एक बॉटल रखने का, ये देखिए मैं मोबाइल रख के आपको दिखा रही हूँ कि ये बॉटल रखने का जो है वो स्पेस बना हुआ है, जिसमें दो तरफ दो छोटी छोटी बोतल्स रह सकती हैं। बवक्ते ज़रूरत आप एक भी रख सकते हैं और दो भी रख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जमजम का पानी होता है, और आप होटल में आए तो अपने लिए जमजम का पानी साथ लेकर के आए। इसमें जिप्स हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें आप रख सकते हैं, और एक ऐसा बैग लेकर जाएं जो कि बहुत बड़ा भी ना हो और जिसमें बहुत सारी सहूलतें हों, ताकि आपको उठाने में भी आसानी हो और आपको चीज़ें रखने में सहूलत हो। वहाँ पे सहूलत से भरी हुई चीज़ें ले जाएं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। और इसके साथ ये मैं आपको एक और बैग दिखाती हूँ, ये एक बड़े हैंडल वाला बैग है। आमतौर पे आप अगर ऐसे ही थोड़ी देर के लिए नीचे चक्कर लगाने जा रहे हैं कहीं मार्केट या कहीं भी ऐसे ही थोड़ी देर के लिए, तो आप एक बड़े हैंडल वाला बैग अपने साथ ले जाएं, ताकि कोई ज़रूरी सामान अगर आपने परचेस किया तो आप इसमें डाल कर ले आ सकते हैं। ये एक्स्ट्रा है, अगर आप इसको ना भी लें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आप लें तो एक बड़े हैंडल वाला बैग ज़रूर लीजिए, ताकि आपकी सहूलत में आपको पेश मतलब कोई मुश्किल पेश ना आए और आपको सहूलत ही सहूलत मुयस्सर आए। अच्छा, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें मैं आपके लिए ये आज लाई हूँ ताकि आपको आसानी हो, और अगर आपको कोई चीज़ ऐसी नज़र आती है तो आप भी ज़रूर मुझे याद दिलाइएगा। अच्छा, ये है रस्सी। रस्सी आपके लिए क्यों है ज़रूरी है मैं आपको बता दूँ, कपड़े अगर आपने उधर हाथ से धो लिए या मशीन इस्तेमाल करके धो लिया, वहाँ की मशीनें भी होंगी, तो आप इस पे फैला सकते हैं रूम में, अगर कोई जगह हो तो आप इस रस्सी को दो तरफ से बांध कर इस पे आप अपने कपड़े फैला सकते हैं, जो कि बहुत ही आसानी आपको प्रोवाइड करेगी। कैप के बगैर तो मुश्किल ही हो जाएगा, वहाँ पर कैप ज़रूर ले जाए हर बंदा, हर लेडीज़ हर मर्द अपने लिए एक एक कैप ले जाए। ज़रूरत ना हो लेडीज़ को तो ना पहने, लेकिन ले के ज़रूर जाएँ, क्योंकि अगर ले के नहीं गए तो फिर ये होगा कि भैया काश हम ले आते तो अच्छा होता। अच्छा, इसके अलावा ये है एक गरम मोज़ा। ये कौन सा मोज़ा है ये आपको मैं बताऊं, ये कलाई का मोज़ा है। ये कलाई में अल्लाह ना करे अगर कभी किसी को मोच आ जाए, तो ये छोटा सा मोज़ा आपको बहुत वहाँ पर सहूलत फराहम करेगा। आप इस पे कोई भी गरम बाम वगैरह या कोई ऑयल लगाकर आप इसे पहन लें तो आपको आराम आ जाएगा। ये आपके सामने है मास्क। मास्क नाक में वहाँ पर पहनना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत तरह तरह के और अलग अलग कंट्रीज से बहुत सारे लोग आते हैं जिनकी बीमारियां वगैरह लगने का खतरा होता है और फ्लू वगैरह फैलता है, तो ये आप ज़रूर ले जाएं, या दो तीन ले जाएं, एक ना ले जाएं। अच्छा, ये स्प्रे बॉटल है, ये बहुत ज़रूरी है, इसकी ज़रूरत मैं आपको समझाऊंगी तो आप भी कहेंगे कि वाकई ये एक तो सबसे पहले तो आपको गर्मी से बचाएगी, आप स्प्रे करते रहें अपने चेहरे पे। इसके अलावा वहाँ पर अगर आपको ज़रूरत पड़ गई, हाजत हो गई आपको कि आपको वज़ू करना है, हरम शरीफ में वज़ू खाने बहुत दूर दूर हैं, आप इसमें पानी जमजम का वहाँ से भर सकते हैं, क्योंकि पीने के पानी वहाँ पे बहुत सारे लगे हुए होते हैं, आप उसको पी लें। देखिए बहुत छोटी सी बोतल है, एक वेत की बोतल है, एक बालिश की, तो पर्स में आराम से रख सकते हैं। इसके अंदर आप पानी भर लें और फिर इसको आप अपनी हाथों पे मुंह पे सब पे स्प्रे करके आराम से आप इसको पूरे चेहरे को और हाथों पैरों को गीला कर लें, लेकिन याद रखिएगा कहीं खुश्की ना हो वरना वज़ू नहीं होगा। तो इस तरह से आप इसको स्प्रे करके वज़ू कर सकते हैं, ताकि आपको इतना दूर वज़ू करने के लिए ना जाना पड़े, और ये आराम से आप अपनी बैग में कैरी कर सकते हैं, और आप इसको अपने साथ हरम शरीफ में भी ले करके जा सकते हैं, ताकि वज़ू करने के लिए दूर दूर ना जाना पड़े। ये छोटी छोटी बातें आपके लिए बहुत काम कारामा साबित होंगी, और आप यकीनन मुझे दुआओं में भी याद रखिएगा। मेरी वीडियो को लाइक करना तो ना भूलें बिल्कुल भी, आपके लिए इतनी कोशिशें कर रही हूँ। ये है टब, अगर आप ये सोच रहे हैं कि टब दिखाकर मैं क्या कर रही हूँ, तो ये छोटा सा टब है, 12 इंच का ये टब है, 1 फुट का, और इसको आप लेकर के ज़रूर जाएं, क्योंकि मशीनें तो वहाँ पर आपको यकीनन मिलेंगी, लेकिन मशीनों में रश भी बहुत मिलेगा। क्या आप उन लंबी लंबी लाइनों में जा कर के कपड़े धोने के टाइम आपके पास होगा, या इबादत के लिए टाइम मखसूस रखेंगे? तो अगर आपको टाइम ना मिले वहाँ पे इतनी लंबी लाइन में लग करके मशीन यूज़ करने का, तो आप इतना छोटा सा टब अपने साथ ले जाएं, इसमें एक सूट आराम से आप इसको खंगाल कर निकाल सकते हैं वॉश बेसन पे रख कर ही, और फिर जो रस्सी मैंने आपको बताई थी इसमें सही तरह से निचोड़ कर, किसी को तकलीफ़ ना हो, किसी के कपड़ों पर किसी के बिस्तर पर पानी ना गिरे, इस चीज़ का बहुत ख्याल रखिएगा। या तो फिर हैंगर में इसको बाथरूम में ही लटका दें कपड़ों को, और फिर जब पानी निथर जाए तो फिर आप इसको रस्सी पे फैला दें, और आराम से ये 2-4 घंटों में ही सूख जाएंगे आपके कपड़े।
तो ये जो है टब लेकर जाना आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है, ये ज़रूर लेकर के जाइए ताकि आप लोगों को आसानी हो। और आप इतनी बड़ी बड़ी मशीन की जो लाइनें लगी हुई होंगी कि भाई हम भी दौड़े हम भी दौड़े, जाहिर सी बात है एक जाने का एक मशीन तो नहीं होगा, बहुत सारे लोग होंगे जो कि बहुत सारे लोग धोने के लिए आ रहे होंगे, आपके पास टाइम इतना नहीं होगा कि आप उस लाइन में खड़े रहकर अपनी बारी का इंतज़ार करें। और अगर आपको मिल जाए टाइम, और अगर आपके पास हो टाइम, या तो फिर आपको मशीन फ्री मिल जाए, तो आप ज़रूर फ़ायदा उठाएं मशीन का, बेशक ज़रूर उठाना चाहिए। और अगर ना मिले तो अदरवाइज़ आप इस टब का फ़ायदा ज़रूर उठाएं। और जब आते वक्त अगर आपके पास सामान ज़्यादा हो तो आप इस टब को वहाँ छोड़ कर भी आ सकते हैं, कोई ज़्यादा महंगा नहीं है। मैंने ये 100 का परचेज़ किया है और ये बहुत ही मतलब सस्ता है, कोई ऐसी महंगी चीज़ नहीं है। लेकिन देखिए रबड़ का है, ये रबड़ का इसलिए लिया है ताकि ये ब्रेक ना हो। ठीक है, अब एक और चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ, आप जब लगेज ख़रीदें यानी कि आप सूटकेस ख़रीदें, तो सूटकेस को आप, मैं आपको जो बताऊँगी ये ज़रूर जहन में रखें, क्योंकि अगर आपके पास है पड़ा हुआ तो आप चला लें, लेकिन अगर आप ले रहे हैं तो मेरी इस मशवरे को ज़रूर अपने जहन में रख करके ख़रीदें। मैं आपको एक बहुत ही कीमती मशवरा देने वाली हूँ इस वक्त, ज़रा थोड़ा सा इंतज़ार करें। देखें ये अहराम वगैरह भी इसमें आराम से रख सकते हैं, और बहुत सारी ये हज की बुक्स जो कि इसमें रखी हुई हैं, रहनुमाए हज भी है, ये बहुत सारी चीज़ें आप इसमें ज़रूरत के तहत डाल सकते हैं। अभी तो मेरी दूसरी वीडियो आएगी चीज़ों की, अभी मैंने कंप्लीट वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि ये देखें वैसे ही अच्छी खासी लंबी हो गई है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें रह गई हैं, दूसरी वीडियो का इंतज़ार ज़रूर करना, लेकिन इस वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देख लें। अच्छा, ये मैं आपको जो बताने वाली हूँ सूट केस के बारे में, तो सूट केस को आप ये चीज़ ज़रूर नोट कीजिएगा कि इसको जब हम जिप बंद करेंगे तो इसके इस पे ताला लगाने की जगह तो होती है अमूमन हर सूट केस के, लेकिन लॉक सिस्टम ऐसा होना चाहिए। इस लॉक सिस्टम की कुछ ज़रूरी हिदायत है जो मैं आपको करना चाह रही हूँ। ये देखें मैंने इसको बंद कर दिया आपके सामने, ठीक है। अब मैं इसको सीधा खड़ा करूँगी ताकि आप लोगों को सही तरह से नज़र आए। ये देखें ये है इसकी बैक साइड, बैक साइड के ऊपर जो ये इसकी ट्रॉली की जो रॉड्स होती हैं, ये रॉड कवर की हुई हैं। इसमें अमूमन ऐसे बैग मिलते हैं जिसकी ये ट्रॉली की रॉड बाहर दिख रही होती हैं, तो ये इनके टूटने का खदशा ज़्यादा रहता है। तो ये जो ट्रॉली की बैग्स की जो रॉड है, ये देखें ये तो बाहर निकल आई, ठीक है। जो अंदर है ये देखें नीचे तक जो आती है ये पूरी कवर की हुई है, ये ऊपर फोम है, ये इसको प्रोटेक्ट करता है और टूटने से बचाता है। क्या टूटने की तो होती है, तो कोई भी चीज़ टूट जाती है, ये तो आप ना कहें, लेकिन दूसरी मतलब खुली हुई चीज़ों से ये काफ़ी बेटर है। ये देखें नीचे पहिए वगैरह भी बहुत ही अच्छे, थोड़ा देख के लीजिएगा, बिल्कुल लोकल चीज़ें ना ले लेना कि फिर बाद में आपको तो सफ़र में परेशानी हो जाए और आप वहाँ पे फिर रियालों में ख़रीद रहे होंगे, लगेज तो रखना ही पड़ेगा, ठीक है। ये बंद हुआ, दूसरी चीज़ मैं आपको एक अहम चीज़ बताऊँगी, ये देखें इस तरह से ये इसको प्रोटेक्ट करती है। एक अहम चीज़ मैं आपको बताऊँगी इसके लॉक के बारे में, ये इसका जो लॉक है ये कुछ सूटकेस में होता है, कुछ में नहीं होता है, लेकिन अक्सर दुकानदारी कहते हैं ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं आपको आज बताऊंगी ये कितना ज़रूरी है आजकल कस्टम में और क्या हो रहा है। ये देखिए ये लॉक है, इसको जब आप प्रेस करेंगे तो फिर आप अपनी मर्जी का लॉक का नंबर जो है ना सेट कर लीजिएगा, ये 00 पे अमूमन आपको मिलेगा, नया बैग जो होगा आपको 00 पे मिलेगा। इसकी जिप को इसके अंदर आप इसको प्रेस करने के बाद आप लगाएंगे, जैसे ये देखिए मैं लगा रही हूँ, प्रेस करके इसको इसके अंदर लगा दिया गया, तो ये इसके अंदर जिप लॉक हो गई है। अब ये जिप इधर से उधर नहीं होगी, कोई घुमा नहीं सकेगा। अमूमन क्या होता है कि लॉक हम जब बीच में लगाते हैं, ताला जो आज देसी ताला होता है, अब देखिए इसको जब भी हमने प्रेस किया, फिर इसके बाद आप इसके बटन नंबर को सेट कर लें, जब आप इसको प्रेस करके रखेंगे, प्रेस करते हुए ही आप इसको नंबर को सेट करें और फिर वो आपका नंबर सेट हो जाएगा, फिर उस नंबर को याद रखिएगा, पता चले नंबर ही भूल गया। अच्छा, ये जो बीच में जगह है यहाँ पे आप ताला भी ज़रूर लगाएं, अगर ये वो लॉक नंबर वाला नहीं लगेंगे और ये ताला लगा हुआ होगा, तो ये दोनों जिबों को साथ एक साथ ले जाते हैं बीच में पेचकस लगा के, तो एक तरफ से ये जिब चलती जाती हैं दोनों एक साथ और जिप खुलती जाती है, और इसी तरह से वापस इसको पलट देते हैं तो जिप इसी तरह से बंद हो जाती है जिस तरह से आपने बंद की होती है, और ताला भी इनके साथ साथ चलता जाता है, और ताले लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। जबकि ये जब लॉक लगा हुआ होता है तो ताले के साथ लॉक ये वाला नंबर वाला भी लगा हुआ होता है जो आपकी जिप को
टस से मस नहीं होने देता, और इस तरह से आपको जो है वो चोरी का ख़तरा इंतहाई कम हो जाता है। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। नई जो इसकी सेकंड वीडियो है उसका इंतज़ार कीजिएगा, इंशाल्लाह जल्द आएगी। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।